हाय, दिस इज अंकित गुप्ता एंड यू वाचिंग बॉलीवुड स्पाई। सबसे पहले ये बताइए कि आप अपने घर से दूर रह रहे हैं, चंडीगढ़ में इतने लंबे समय से शूटिंग कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं फैमिली को और कैसे हैं आप? एक्चुअली मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आई वाज 17 सिंस आई बीन लिविंग अलोन। सो लाइक बेसिकली आई एम फ्रॉम मेरठ। So when I was 17, I left my house. I went to Noida. I started working. Then lived there for about 6 years. Then I went to Bombay. I was there for about 8-9 years. And now I'm in Chandigarh for last 1 year. So it's been amazing. New experiences in my life. New city. But I love the city. I love Chandigarh. Maybe sometimes more than Bombay. So it's been amazing last 1 year and I've been enjoying it. So Ankit, हमने देखा है कि चंडीगढ़ से अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि कभी आपको चंडीगढ़ इतना भा गया है, क्या कुछ पसंद है आपको चंडीगढ़ में? मुझे चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का खाना बहुत पसंद है, चंडीगढ़ का वेदर बहुत पसंद है, चंडीगढ़ की सड़कें बहुत पसंद है, चंडीगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। हम देख सकते हैं एपिसोड में कि फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैस्मिन से आपका पीछा अब छूट चुका है। कैसा लग रहा है फतेह को, और जो प्यार वाले मोमेंट्स है जिसके लिए हमेशा से ही फतेजो के जो फैंस हैं वो हमेशा से ही वेट करते आए हैं कि कब वो देखने को मिलेगा, वो भी अब हमें देखने को मिल रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई थिंक फतेह और तेजो का पीछा जैस्मिन से तो कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि जैस्मिन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ उडारिया, तो पीछा तो नहीं छूटेगा आई थिंक। बट हाँ, कुछ कुछ बीच बीच में लव मोमेंट्स आ रहे हैं फतेजो के। मैन आई एम एंजॉयिंग इट। और बार बार के जो I think it's time after 1 year that I will again become a lover boy. It's been a long, long, long time. I've not done romance on screen, so I'm enjoying it. Okay, how is it romancing with Priyanka? It is amazing. We have a very good bond. We have very good chemistry. Sometimes it happens that we don't have to say anything. It just I do something and she understands and reacts according to that. And sometimes she does something and I react according to that. तो बहुत बार ही ऐसा होता है, बिकॉज केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, बॉन्ड इतना अच्छा है, तो कई बार चीजें एक दूसरे को सीन से पहले डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी राइट। सो हम देख सकते हैं कि एपिसोड की अगर बात की जाए तो उड़ारिया जिस तरह का एक सीजन रहा है, ट्विस्ट एक अलग ही तरह का तड़का ऐड करता है, मतलब सारे ट्विस्ट एक तरफ, उड़ारिया के ट्विस्ट एक तरफ, तो जब आप भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप खुद में कितने अमेज्ड हो जाते हैं जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड किए जाते हैं स्क्रिप्ट में? कभी कभी तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। आई थिंक जो मेकर्स हैं हमारे, रवीन सरगुन एंड ऑल द राइटर्स, दे वेरी मच इंस्पायर्ड विद गेम ऑफ थ्रोन्स। तो आई थिंक जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हर बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी, आई डोंट नो अच्छी है या बुरी है, ये चीज मैं करता हूँ। आई नेवर आस्क व्हाट इज द ब्रॉडर स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी अहेड इन कमिंग एपिसोड्स। सो आई ऑलवेज लाइक इट, आई ऑलवेज लाइक यू नो व्हेन इट कम्स एज अ सरप्राइज टू मी। सो आई गो ऑन द सेट, आई रीड माय सीन्स एंड आई वंडर, ओह नाउ वाओ दिस इज हैपनिंग, ओह गुड। लवली। बात की जाए अगर अंकित के अंगद के प्लॉट की, सॉरी, तो अंगद के प्लॉट को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। जैसे ही मतलब उनकी एंट्री हुई तो अलग ही लेवल का टीआरपी, अलग ही लेवल के उनके पर्सनालिटी को भी पसंद किया गया वो सारा ही प्लॉट, लेकिन आते आते अब वो प्लॉट कहीं ना कहीं खत्म सा होने वाला है। सो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? खत्म होने वाला है, दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ।
and I don't know. And as you know, this is Udariya, so you never know कल क्या हो जाए. बिल्कुल. तो खत्म होने वाला है ये कहना अभी थोड़ा गलत होगा. But yes, that track brought a lot of TRP, lot of new viewers to Udariya, and of course Karan B. Grover. He likes to be very specific about his name, Karan B. Grover. Yes. So, he's wonderful. I mean, मेरी उनके साथ भी bonding बहुत ही अच्छी है. तो whenever we are on set, we always pull Priyanka's leg all the time. तो यस लेट्स देखो अंगद के ट्रैक में अभी आके क्या ट्विस्ट आने वाला है. बिल्कुल डेफिनेटली. ऑल्दो जसपा के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज हैं क्योंकि इनफैक्ट उन्होंने मुझे मैसेज भी किया सेइंग कि अभी अंकित और मतलब जसपा के रील्स नहीं आते हैं. यार एक तो सबसे पहले दैट आई एम वेरी वेरी बैड विद रील्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर उडारिया मैंने लाइफ में कुछ रील्स होती भी है ऐसा मुझे पता चला और मैंने रील्स बनानी शुरू की. एंड जो भी मेरी अभी तक रील्स है उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. मैंने जिन लोगों के साथ भी रील्स बनाई हैं वो लोग आते हैं मेरे पास जबरदस्ती मुझसे रील्स बनवाते हैं. प्रियंका लिटरली मेरी लाइफ के पीछे पड़ी रहती है रोज रोज कुछ ना कुछ निकाल के लाती है कि आज ये बनाएंगे आज वो बनाएंगे. एंड She has to do a lot, lots of work for me to make a particular reel. I can understand. So, fans ki bhi guhar sun lijiye, Jaspa ki bhi kuch reels agar possible ho paaye, to wo bhi aap agar saamne laaye to behtar hoga. So, देखो उडारिया उडारिया है कल पता नहीं क्या आ जाए. Definitely. Okay, so ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है ये फैंस की तरफ से. They are willing to know कि प्रियंका के साथ जिस तरह का वो ऑन स्क्रीन बॉन्ड देखते हैं क्या ऑफ स्क्रीन भी उसी तरह का बॉन्ड है आपका उनके साथ? मेरा उसके साथ प्रियंका के साथ बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड है. We like best of buddies. People think that we are dating. There are people okay, always keep on asking us, are you guys dating? Are you not? But ऐसा कुछ नहीं है. We are very good friends. Of course not. But हाँ प्रियंका के साथ मेरा एक बहुत special bond है. एक बहुत amazing bond है. And I think जो फतेजो का जो सक्सेस है इट्स बिकॉज ऑफ दैट बॉन्डिंग. और उस बॉन्डिंग में आई वुड लिटरली से दैट आई हैव ओनली 30% कंट्रीब्यूशन एंड 70% प्रियंका. जो आई थिंक हमारी दोस्ती में जो एफर्ट्स हैं वो ही इतने ज्यादा डालती है कि मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. All right, lovely. Thank you so much, Ankit, for joining with us on Bollywood Spy. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके. And you have been completely honest with your all answers. Thank you. All right. Thank you, Ankit, for your time.